अलीगढ़ थाना गवाना क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप से कार सवार आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने तीनों सेल्समैनों को धमकाकर 1,46,000 लूट लिए। घटना में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल पर निरीक्षण कर शीघ्र ही घटना के खुलासे का दावा किया। थाना गवाना क्षेत्र में जीटी रोड पर सोमवार प्रातः कार सवार आधा दर्जन नकाबपोश बदमाश आ गए और तीनों सेल्समैनों पर तमंचा तान कर बदमाशों ने ऑफिस में रखे लॉकर की चाबी लेकर उसमें रखे 1,46,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। मौके पर SSP राजेश पांडे, SP सिटी अतुल कुमार श्रीवास्तव, SP नीरज जादौन आदि ने पहुंचकर कर्मचारियों से बात भी की, साथ ही भागे बदमाशों की तलाश भी शुरू कराई। पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे जिसमें बदमाश लूटपाट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे खंगालना भी शुरू कर दिया। SSP का दावा है कि बदमाश जल्द ही पकड़े जाएंगे। रिलायंस का पेट्रोल पंप है जो मुख्य मार्ग है जीटी रोड का, नियोजन स्थान पे है। रात में करीब 4:15 बजे वहाँ 4 बजे वहाँ 5-6 लड़के हैं पेट्रोल लेने के बहाने वो चीज़ें में घुस गए। वहाँ पर जो सेल्समैन होता है उनके मैनेजर इंचार्ज सिस्टम इंचार्ज होते हैं वो अंदर घुस गए हैं और उनके जो बैग में और अलमारी में कैश था करीब 1,46,000 रुपये वो लेके चले गए। मौके पर हमारे अधिकारी हैं फॉरेंसिक की टीम और जो वहाँ पर CCTV फुटेज मिले हैं उससे हमें अंदाजा है कि उसको बहुत जल्दी अतिशीघ्र हम इसका नाम करते हैं। गवाना क्षेत्र से इस खबर की कवरेज के लिए प्रकाश सिंह, AB Live News, अलीगढ़।